नए साल के जश्न से पहले महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच ने एक रेव पार्टी में छापेमारी की। इस रेड में पुलिस को भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। रेव पार्टी में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे। पार्टी एक प्राइवेट प्लॉट में चल रही थी और इस पार्टी में चिलम, शराब के साथ एलएसडी, चरस, गांजा जैसे कई नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए गए थे। क्राइम ब्रांच यूनिट ने इस पार्टी से 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को मेडिकल जांच के लिए ठाणे के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसी के साथ पुलिस ने वहां से 19 दोपहिया वाहनों को भी कब्जे में लिया है। इस रेव पार्टी पर छापेमारी की जानकारी ठाणे क्राइम ब्रांच के डीसीपी शिवराज पाटिल ने दी। निश्चित रूप से जो 31 का सेलिब्रेशन हो या इस क्रिसमस का जो पीरियड रहता है उसमें मैक्सिमम तौर पे ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज होती है, तो पुलिस आयुक्त श्री आशुतोष डुमरे सर ने यहाँ पे आदेशित किया था कि जो एनडीपीएस का कोई प्रोडक्ट की बिक्री हो या ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ठाणा क्राइम ब्रांच के एसीपी नीलेश सोनू ने और यूनिट 5 के विकास बोर्ड की इनकी इन्फॉर्मेशन थी। हमारे हद्दी में कासरवडोली में एक रेव पार्टी अरेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमने एक 7 टीम अरेंज की थी। हमने वहां पे रेड की तो उसमें पाया गया कि वहां पे डीजे लगा के वहां पे अलग अलग एनडीपीएस के जो सब्सटेंस है वहां पे लोगों को बेच रहे हैं। तो एंट्री करने के बाद, रेड होने के बाद हमें लगभग 90 यंगस्टर्स बच्चे बॉयज वहाँ पे हमें मिले और 5 लड़कियाँ मिली और 2 ऑर्गेनाइजर्स वहाँ से डिटेन हमें अरेस्ट किए हैं। तो अभी जो अरेस्ट किए गए हैं उनके पीछे भी और कुछ लोग होने की आशंका है। इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गेनाइजर और भी थे, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और भी पाए जाएंगे तो उसमें पकड़ा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक कार्रवाई थाना क्राइम ब्रांच की यहाँ पे सामने आई। इसमें कौन कौन से ड्रग्स पकड़े गए हैं, कितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है और कुल कितने लाख का मुद्दे मात्रा? इसमें ड्रग में एलएसडी स्ट्रिप थी, एक्सटेसी पिल थी, एमडी था, कोकेन, चरस और गांजा, यहाँ पे सब अलग अलग टाइप के जो एनडीपीएस के प्रोडक्ट है वहाँ पे मिले हैं। लगभग 8-8.5 लाख की जो उसकी कॉस्ट रहेगी, लेकिन और भी वहाँ पे कुछ सप्लाई होने की आशंका है या अंधेरे का फायदा लेके वहाँ से कुछ भागने की भी आशंका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि और भी वहाँ पे कोई सप्लाई होने वाला था।